तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ गोपाल किशन, और वैसे तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप पर, बिग फैमिली ट्रिप है ये। ट्रक वाली फीलिंग आ रही, डिस्कवरी पे ट्रक वाले नहीं आते थे वाले। पर ये भी गया गोपाल किशन, और वैसे तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप पर, बिग फैमिली ट्रिप है ये, और हम लोगों ने बस वगैरह बुक कर रखी है यहाँ से वृंदावन के लिए। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी गिरिराज जी, और जो भी मतलब सारा जो ब्रजमंडल में आए हो वो सब हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या है, जब से सुबह से निकले कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक तो लेट निकले हैं क्योंकि 10:30 बजे करीब तो हम लोग घर से निकले हैं, फिर उसके बाद रास्ते में एक चालान भी काट गया मास्क का, उसके बाद अभी हमारी बस भी पंचर हो गई है। ये देखो अभी हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पर टायर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा। खैर सब लोग फिलहाल तो खड़े हुए हैं, अभी इतना टाइम हो गया निकले हुए, अभी 1.5 घंटे में सिर्फ हम लोग अभी राजीव चौक पहुँचे हैं घर से, यानी समझ रहे हो ना, 10 किलोमीटर आए हैं सिर्फ अभी 1.5 घंटे में, बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बाकी तो ये देखो सब लोग एक खड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन सुनते हैं कि क्या क्या है। मगर क्या करें, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि लेट पे लेट होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। सबसे पहले तो लेट घर से निकले, लेट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद चालान भी कटवा चुके हैं, फिर उसके बाद पंचर भी हो गई है, और सिर्फ आए हैं 10 किलोमीटर मात्र घर से 1.5 घंटे। अब और पता नहीं क्या क्या होगा, सारी रिश्तेदार। और फाइनली हमारा पंचर बन चुका है, अब निकलने वाले हैं यहाँ से। बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन क्या करें यार, बढ़ते रहेंगे आगे धीरे धीरे। चलाओ सवारी बैठ चुकी है, वृंदावन 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 वृंदावन, अरे भैया एक एक्सपीरियंस ये वाला भी एकदम बढ़िया बेहतरीन, ट्रक वाली फीलिंग आ रही, डिस्कवरी पे ट्रक वाले नहीं आते थे वाले सीरियल देखते थे वाली फीलिंग आ रही है। और सबसे मैं बताऊं आपको, मेन रीजन था ये आने का क्योंकि 8 दिसंबर मेरी एनिवर्सरी है, और हम लोग गिरिराज जी पर भोग लगा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं। अब इतना बड़ा दिन था तो चलो कुछ ना कुछ तो बनता है, इसलिए सब लोग मिलके वहीं चल रहे हैं, दर्शन करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, पूरे एंजॉय करते हुए, एंजॉय करके पूरे पूरे खेत साफ करें, आते हुए आप भी खाओ, हाँ आप भी खाओ, ब्लॉग देखते हुए खाओ, हाँ खा लेना भाई, नहीं बताओगे कि हमने बताया नहीं पहले। शनिदेव मंदिर पहुंच चुके हैं, बस अभी आपको दर्शन कराएंगे अंदर के भी शनिदेव जी के। ये देखो यहाँ खाना पीना हो रहा है शनिदेव जी पर। ब्रज मंडल का नजारा रात का, ये देखिए सारा प्रसादी का सामान उतर चुका है ऊपर से, और बस यहाँ से निकलने वाले हैं अभी, जो गिरिराज जी महाराज का मुखारविंद है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भोग लगवाएंगे। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के करीब 5 बज गए हैं, बस निकलने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोगों को उठे हुए, करीब 4 बजे से पहले उठ गए थे सब लोग, और सब लोग रेडी हो गए, मैं भी सबसे मिलवाता हूँ आपको। चलो अंदर अभी दिखाता हूँ, ये देखो, हाँ चलो भाई हो गए रेडी, चलो। ये अभी तक नहाए नहीं है, ये देख लो वीडियो में सबसे लेट यही है। अरे मैम,
देखिए भी रूम है। चलो बाहर चलो निकलो, चलो चलो ये देखो ये रहे, चलो निकलो और क्या। चलो चलो बैठो, चलो लग रही होगी ना तिकम सही है तिकम भाई तिकम है ठंड, हम कश्मीर हुआ है उस हिसाब से नहीं लग रही ठंड। कैबे क सुन रहे हो गए हैं? चलो चलो बैठो बैठो बैठो, चलो 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 अभी निकलने वाले हैं यहाँ से दर्शन के लिए। कौन से वाले में बैठना है? कैसा देख रहा? हाँ हाँ बढ़िया दिख रहा सर। और दादा तुम तो बर्फ में जा रही का। चलो भाई हो गए तैयार। अभी सुबह के मॉर्निंग के करीब 6:30 बज चुके हैं, इतनी जल्दी उठ गए थे फिर भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। और हम लोग अभी परिक्रमा मार्ग में हैं और जो बड़ी परिक्रमा होती है वहीं से हम लोग जा रहे हैं अंदर मुखारविंद की तरफ, जहाँ पे हम लोगों का भोग प्रसादी वगैरह आज लगने हैं। और निकले तो टाइम से हैं लेकिन बस हो गया काम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। पापा तो पहुँचने वाले हैं और अभी एक दो रिक्शा का और वेट हो रहा है। आज चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सारे रिक्शे। ये देखो ये रहा पहला रिक्शा और आज दूसरा हो गया। हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग को भी आ ये देखो दूसरे रिक्शे में ये लोग हैं, पन्नी लपेट के बैठे हैं। देखो दादा लोग भी हैं यहाँ, दादा ये पैंट है दिखा दो। चलो यहाँ फैशन का शौक है ये। नेक्स्ट और ये रहा लास्ट आखिरी रिक्शा जिसमें देखो राजा जी महाराज जी बैठे हैं इसमें। अरे दादा रे अप्पू राजा का रिक्शा। चलो और ये है हम लोगों के पीछे गोवर्धन पर्वत। जय हो गिरिराज महाराज की जय। मैं आज वैसे भगवान जी का ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है लेकिन भीड़ उस हिसाब से है नहीं यहाँ पर। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल भीड़ है नहीं और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह से पता नहीं था कितनी ज़्यादा ठंड रहेगी, मैं अपनी जैकेट भी लेकर नहीं आया हूँ। और आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी जैकेट क्यों है? ये हमारे पिताश्री की जैकेट है इसलिए इतनी बड़ी है। चलो बढ़ रहे हैं आगे। ये देखो एक रिक्शा गया और ये दूसरा रिक्शा गया। और आ जाओ भाई आ जाओ, एक और रिक्शा आ गया। चलो हम लोग ये देखिए यहाँ पर गोवर्धन में पूछरी का लोटा विश्राम ग्रह राजस्थान की सीमा में पड़ते हैं। नहीं बता मंदिर पूछरी का लोटा। ये मंदिर पता कहाँ है? राजस्थान में है। आइए राजस्थान है, मुस्कुराइए अब आप राजस्थान में है। ऊँट ऊँट दिखाई देंगे यहाँ पर। ये देखिए राजस्थान वाली बाड़ियाँ, मगर अब बाड़ियाँ राजस्थान वाली बाड़िया पूछरी का लोटा। मंदिर का दर्शन कीजिए। मुखारविंद मतलब जहाँ पर भगवान जी ने जो ब्रज जब उठाया था जब रेस्ट किया था उसके बाद रखा था जब पर्वत, तो वही खाना खाया था जो 56 भोग का प्रसाद लगा था वही जगह है जो मेन जगह है, जो मेन जगह है। थाली के थाली खा गए थे आने दो। जय जय अक्कू जय 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 जय। बहुत बढ़िया एंगल, बहुत बढ़िया। बैठो 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 बैठो। अरे क्या हाँ सही लग रहा है। हेलो चलो 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 यहाँ से भी निकल चुके हैं पूछरी के लोटा से। अब बस जतिपुरा आने वाला है मुखारविंद। इतनी ज्यादा अरे कहाँ है ठंड है ही नहीं है। चलो
ठंड हो भी रही है नहीं ये पता है जहाँ पे मुखारबिंद पे जहाँ दूध वगैरह चढ़ता है वहाँ पर मुखारबिंद। और चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो इधर भी बुलाना सबकी मुखारबिंद और दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे। अब बस यहाँ से भी निकलने वाले हैं। आपने करी लियो के दर्शन, भोग वगैरह सब लग चुका है, प्रसादी वगैरह। और भाई साहब बहुत आनंदी आनंद आ गया, एकदम मजेदार। ये देखिए जय श्री गिरिराज महाराज की जय। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। बढ़िया हरी, बढ़िया हरी। अच्छे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ। और मुखारबिंद से आ गए हैं वापस, गोवर्धन महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है आज विवाह पंचमी है, आज भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है ठाकुर जी का। और सबसे बड़ी बात आज हम लोगों की सालगिरह भी है, इतना शुभ मुहूर्त मिला है हम लोगों की सालगिरह के लिए। बहुत अच्छा लगा, मजे आ गए हैं, इतने अच्छे दर्शन हो गए, इतना अच्छा भोग लग गया है। बस आनंद ही आनंद उनकी कृपा से, बस ऐसी कृपा हर साल हमारे ऊपर बनी रहे और सबके ऊपर बनी रहे। बस रक्षा करो, दया करो, कृपा बोल ठाकुर जी महाराज की जय।